नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। हरियाणा के किसानों को मिलेगा उनके हक का पानी। चरखी दादरी और कुरुक्षेत्र की रैली में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कहा खेत खलिहान से खेल और युद्ध के मैदान तक हरियाणा का योगदान। अनुच्छेद 370 पर सरकार के फैसले को लेकर कांग्रेस पर लगाया जनता के बीच भ्रम फैलाने का आरोप। बीजेपी ने जारी किया संपन्न, समृद्ध और समर्थ महाराष्ट्र का संकल्प पत्र। 5 साल में 1 करोड़ रोजगार से लेकर प्रदेश को सूखे से मुक्त करने और इंटरनेट से जोड़ने पर जोर। राहुल गांधी की यवतमाल और वर्धा की रैली में कांग्रेस एनसीपी गठबंधन के पक्ष में मतदान की अपील। आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम पर कसा और शिकंजा। दिल्ली के राव रेवेन्यू कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को दी चिदंबरम से पूछताछ और जरूरत पड़ने पर गिरफ्तारी की इजाजत। 17 अक्टूबर तक सीबीआई की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में ही हैं पी चिदंबरम। अनुच्छेद 370 के प्रावधान खत्म करना पाकिस्तान की ओर से आतंकवाद और सालों से चले आ रहे छद्म युद्ध के खिलाफ निर्णायक लड़ाई। एनएसजी के 35वें स्थापना दिवस समारोह में बोले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कहा आतंकवाद के खिलाफ अटल और अडिग है जीरो टॉलरेंस की नीति। और भारतीय संसदीय प्रक्रिया में अधीनस्थ विधान समिति की भूमिका महत्वपूर्ण। सर्बिया के बेलग्रेड में अंतर संसदीय संघ की 141वीं बैठक में बोले राज्यसभा के महासचिव देश दीपक वर्मा, विभिन्न देशों के संसदों के महासचिवों के संग एएसजीपी में हुई चर्चा के कानून के क्रियान्वयन में तीसरे पक्ष के मूल्यांकन के सुझाव को भी बताया अहम। अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरों के साथ, और इसके लिए चलते हैं मेरी सहयोगी प्रीति के पास। शुक्रिया अभिलाषा। लोकतंत्र 2019 में आप सभी का स्वागत है, मैं हूं प्रीति सिंह। विधानसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लगातार दूसरे दिन हरियाणा में प्रचार किया। वहीं महाराष्ट्र के लिए बीजेपी ने आज अपना संकल्प पत्र भी जारी कर दिया। दूसरी तरफ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी आज प्रचार के लिए महाराष्ट्र पहुंचे। इसके अलावा विभिन्न दलों के दिग्गजों ने भी कई जनसभाएं की। आइए सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा के रण की। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा में 2 जनसभाएं की। कुरुक्षेत्र के थानेसर की जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस वक्त पूरा देश गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश पर्व मनाने की तैयारी में जुटा है। ये प्रकाश पर्व दुनिया भर में भव्यता के साथ मनाया जाए, इसके लिए केंद्र सरकार पूरे प्रबंध कर रही है। उन्होंने विपक्षी दलों को निशाने पर लिया और कहा कि जब भी किसी बात को लेकर देश खुश होता है तब कांग्रेसी नेताओं को परेशानी होने लगती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता अनुच्छेद 370 पर सरकार के फैसले को लेकर जनता के बीच भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चरखी दादरी में भी विशाल जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दिवाली पर पूरा देश जश्न मनाएगा और इस बार की दिवाली बेटियों की दिवाली होनी चाहिए। इस बार दो दो दिवाली आई हमारे लिए,
एक कमल वाली दिवाली तो दूसरी दिए वाली दिवाली। लेकिन मैं आपको फिर याद दिला दूं, ये दिवाली हमारी बेटियों के नाम होनी चाहिए। जो बेटियां लक्ष्मी बनकर हमारे परिवार, हमारे समाज, हमारे देश को गौरव दे रही हैं, उनकी उपलब्धियों का पूजन जरूर होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भारत अपना पानी पाकिस्तान में नहीं बहने देगा। हिंदुस्तान के किसानों के हक का पानी, हरियाणा के किसानों के हक का पानी 70 साल तक पाकिस्तान जाता रहा, ये मोदी पानी को रोकेगा, आपके घर तक लाएगा। और मैंने काम शुरू कर दिया है, क्योंकि ये पानी पर हक हिंदुस्तान का है, इस पानी पर हक हरियाणा के किसान का है, राजस्थान के किसान का है। और इसलिए आपके लिए मोदी लड़ाई भी लड़ रहा है। और अब बात करते हैं हरियाणा के बड़खल विधानसभा क्षेत्र के राजनीतिक समीकरणों की। फरीदाबाद जिला हरियाणा की औद्योगिक नगरी के तौर पर जाना जाता है। दिल्ली से सटे होने के कारण एनसीआर के इस महत्वपूर्ण क्षेत्र का रुतबा और बढ़ जाता है। दिल्ली से करीब होने की वजह से फरीदाबाद की बड़खल विधानसभा सीट राजनीतिक सुर्खियों का केंद्र बनी रहती है, जहां इस बार त्रिकोणीय लड़ाई है। हरियाणा की अहम सीटों में शुमार बड़खल विधानसभा सीट पर बीजेपी काबिज है। 2014 में बीजेपी की सीमा त्रिखा ने 70,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की थी। पार्टी ने इस बार भी उन पर ही भरोसा जताया है। वहीं कांग्रेस ने सीमा त्रिखा के खिलाफ विजय प्रताप सिंह को उतारा है। हम आंकड़ों के बेस पे हमने ये डेवलपमेंट किया है, तुलना कर ले कि कांग्रेस के शासन में कितना काम हुआ है और बीजेपी ने क्या किया। रिपोर्ट कार्ड के आधार पर हम चुनाव में जा रहे हैं। चुनौती में किसी को नहीं मान रहा है, तो जनता ने तय करना कौन चुनौती है। हम तो अपने विजन के साथ इस चुनाव में उतरे हुए हैं, लोगों के विश्वास के साथ उतरे हुए हैं। बड़खल से कुल 10 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। इनमें INLD के अजय बड़ाला, BSP के मनोज चौधरी और JJP के इस्लामुद्दीन शामिल हैं। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी धर्मवीर भड़ाना को प्रत्याशी बनाया है। हमारी किसी से कोई चुनौती नहीं है, पब्लिक साथ है, पब्लिक दुखी है। पूरे 5 साल भाजपा सरकार ने लोगों को बिजली पानी के लिए तरसाया है। ईमानदार नेता हो तो सब कुछ संभव है। आम आदमी पार्टी दिल्ली के जो काम किए उन्हीं मुद्दों पर यहाँ चुनाव लड़ रही है और दिल्ली की तर्ज पर ही यहाँ पर विकास कराएगी। दिल्ली NCR में पर्यटकों के लिए कभी आकर्षण का केंद्र रही बड़खल झील अब सूख चुकी है और विपक्षी दल इस मुद्दे को लेकर बीजेपी के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। इसके अलावा बुनियादी सेवाओं के मुद्दे पर भी खट्टर सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। वहीं बीजेपी का दावा है कि बड़खल झील को उसके पुराने स्वरूप में लाने के लिए राज्य सरकार ने कई कदम उठाए हैं और इस दिशा में किए जा रहे प्रयासों के जल्द ही नतीजे भी सामने आएंगे। मोहम्मद फातेह टीपू, राज्यसभा TV। और अब बात महाराष्ट्र की, जहां विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने आज घोषणा पत्र जारी कर दिया। संकल्प पत्र के नाम से जारी घोषणा पत्र को बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष JP नड्डा और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जारी किया। महाराष्ट्र संकल्प पत्र में जिन बातों पर जोर दिया गया है, उनमें आने वाले 5 साल में महाराष्ट्र को सूखे से मुक्त करना, मराठवाड़ा वाटर ग्रिड महत्वाकांक्षी योजना के जरिए 11 बांधों को आपस में जोड़कर संपूर्ण मराठवाड़ा को पाइपलाइन से पानी आपूर्ति करना, कृषि में लगने वाली बिजली को सौर ऊर्जा पर आधारित करके किसानों को दिन में 12 घंटे से अधिक बिजली पहुंचाना, आने वाले 5 साल में 1 करोड़ नौकरियों का सृजन, 2022 तक सभी घरों को पीने का शुद्ध पानी उपलब्ध कराना, भारत नेट और महाराष्ट्र नेट से संपूर्ण महाराष्ट्र को इंटरनेट से जोड़ना,
प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना और महात्मा फुले जन आरोग्य योजना से कोई भी वंचित ना रहे, ये सुनिश्चित करना भी इस संकल्प पत्र में शामिल है। ये करने लायक है, किया जा सकता है, और करने के लिए क्या क्या चीजों का आवश्यकता होती है उसकी भी गहराई से चिंतन हुई। इट रिप्रेजेंट्स ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, यह इसके स्पिरिट में है। लेकिन इसके साथ साथ फोकस लास्ट मैन स्टैंडिंग ऑन द पेडिस्टल ऑफ द सोसाइटी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार किया। राहुल गांधी ने यवतमाल और वर्धा में चुनावी रैली को संबोधित किया। अपने संबोधन में राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। बेरोजगारी, किसानों और विकास के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने नोटबंदी और जीएसटी को लेकर केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल भी उठाए। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र की जनता से कांग्रेस और एनसीपी गठबंधन के पक्ष में मतदान की अपील की। उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया कि अगर प्रदेश में कांग्रेस एनसीपी की सरकार बनी तो गरीबों, किसानों, छोटे और मझोले कारोबारियों के लिए तेजी से काम किया जाएगा। अर्थव्यवस्था को चलाना है तो गरीबों के हाथ में पैसा डालना पड़ेगा। सीधी सी बात, जब तक किसानों के जेब में पैसा नहीं होगा, जब तक मजदूरों के जेब में पैसा नहीं होगा, जब तक युवाओं के जेब में पैसा नहीं होगा, अर्थव्यवस्था नहीं चल सकती, रोजगार नहीं पैदा हो सकता। देश को किसान, मजदूर, युवा खड़ा करते हैं, बनाते हैं, चलाते हैं, और सरकार का काम इन लोगों की मदद करने का है। उद्योगपतियों की जगह है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनकी कोई जगह नहीं है, जगह होनी चाहिए, मगर सबकी जगह होनी चाहिए। और फिलहाल विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरों को देते हैं विराम और देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए लौटते हैं मेरी सहयोगी अभिलाषा के पास। शुक्रिया प्रीति। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति अटल है और इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हरियाणा के मानेसर में आज एनएसजी के 35वें स्थापना दिवस के मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को हटाकर देश को आतंकवाद और कश्मीर को हमेशा के लिए सुरक्षित करने के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि एनएसजी ने अपने काम से पूरी दुनिया को हैरान किया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि 2014 के बाद एनएसजी को नई तकनीक से लैस किया गया और ये संगठन किसी भी आतंकी हमले का सामना करने में पूरी तरह से सक्षम है। आतंकवाद किसी भी सभ्य समाज के लिए एक अभिशाप है और आधुनिक समाज में विकास के लिए सबसे बड़ी बाधा है। अपना देश आतंकवाद के अभिशाप से बहुत लंबे समय से अभिशप्त है। शायद ही कोई देश ऐसा होगा दुनिया में जिसने इतनी लंबी लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ लड़ी होगी। और मैं आज इस मंच से कहना चाहता हूं के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अफर है, अडिग है और हमेशा इस पर विजय प्राप्त करने के लिए निश्चय। इससे पहले एनएसजी के 35वें स्थापना दिवस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। हरियाणा के मानेसर में एनएसजी कमांडो ने अपने कौशल भी दिखाए। एक्सप्लोजिव हो सकता है।
नहीं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर जोर दिया है। वो डीआरडीओ निदेशकों के 41वें सम्मेलन में बोल रहे थे। इस मौके पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और तीनों सेनाओं के अध्यक्ष भी मौजूद रहे। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की 88वीं जयंती के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ में मौजूद उनकी प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। अनुसंधान और मिसाइल विकास में एपीजे अब्दुल कलाम का अहम योगदान रहा है। इस मौके पर रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ के निदेशकों का 41वां सम्मेलन भी आयोजित किया गया। रक्षा मंत्री ने कहा कि मौजूदा दौर में रक्षा क्षेत्र में तकनीकी के आयात को कम करने और स्वदेशी शोध को बढ़ावा देने की जरूरत है। अब समय आ गया है कि हम अपनी निर्भरता इम्पोर्टेड सिस्टम्स पर कम करें और ऐसे इंडिजिनस इनोवेशन इकोसिस्टम को डेवलप करें जिससे क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज में हम जल्द ही पूरी तरह से आत्मनिर्भर बन सकें। इस मौके पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ने तकनीक को लेकर तालमेल बेहतर करने पर जोर दिया। कैपेबिलिटी फॉर इंटीग्रेशन ऑफ सिस्टम्स इज मोर इम्पोर्टेंट देन प्रोबेबली मास्टरिंग ऑल द सिस्टम्स एट द सेम टाइम एंड दिस इंटीग्रेशन टास्क इन दिस कंट्री फॉर द डिफेंस पर्पसेस एंड फॉर ऑल द अदर सिक्योरिटी नीड Except DRDO, there is no other organization which is competent for doing that. सम्मेलन में आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत, भारतीय वायुसेना प्रमुख मार्शल आरकेएस भदौरिया और नेवल चीफ एडमिरल करमबीर सिंह ने स्वदेशी तकनीकी को रक्षा क्षेत्र के लिए बेहतर बताया। DRDO has made strides in ensuring that the requirement of the services are met through homegrown solutions, and we are confident that we will fight and win the next war through indigenized weapon systems and equipment. The advantage of the indigenous technology is that we are in continuous dialogue and we are able to change the specs and change the requirements as we go along and get higher performance. So this is a project which we are really looking forward to improve further. The government of the day is fully seized of making the Make in India initiative and supporting it to the hilt. So it's a golden opportunity which we cannot miss, and I would request that both us and the DRDO seize this opportunity to give the country a potent navy that can deliver the punch in a future conflict. रक्षा मंत्री ने वैज्ञानिक चुनौतियों को हल करने के लिए युवा प्रतिभाओं और उपक्रमों को कलाम डेयर टू ड्रीम पुरस्कार भी प्रदान किए। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। सर्बिया के बेलग्रेड में अंतर संसदीय संघ की 141वीं बैठक चल रही है। आज अंतर संसदीय संघ की सलाहकार संस्था एसोसिएशन ऑफ सेक्रेटरीज जनरल ऑफ पार्लियामेंट्स के सत्र को राज्यसभा के महासचिव देश दीपक वर्मा ने संबोधित किया। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ मेथड ऑफ स्क्रूटनी फॉर पार्लियामेंट विषय पर बोलते हुए राज्यसभा के महासचिव ने भारत में कानून बनाने और लागू कराने में विधायिका की भूमिका के बारे में बताया। उन्होंने संसद में विधेयक पेश करने और संसदीय समितियों के काम के बारे में विस्तार से जानकारी दी। There are, it is possible, and the acts are made through our system of the parliamentary committees. We have 24 parliamentary committees in the country, of which 16 are in the lower house and 8 in the upper house. And the committee consists of the members of the parliament from both the houses, from the lower house as well as the upper house. And after the committee has examined the bill, this is brought before the House, which passes it, and then it goes to the President for the assent. Now, it might happen that when the bill is being examined and the bill is being passed, there are certain nuances, there are some intricate details which have not been seen by the committee, and for that we have a system of subordinate legislation, a committee of subordinate legislation which basically oversees this process. As to whether subsequent to the passing of a bill, the subordinate rules and regulations which are necessary for implementation of that law, whether those subordinate rules and regulations have been framed or not. And there is a 15-member committee of which is known as Committee on Subordinate Legislation. This committee deals with the issue
and also ensures that the government does form a rule and regulation to implement this. राज्यसभा के महासचिव देश दीपक वर्मा ने कहा कि संसद की अधीनस्थ विधान समिति को अधिक प्रभावी और मजबूत बनाने के लिए काम किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने एएसजीपी में हुई चर्चा में कानून के क्रियान्वयन में तीसरे पक्ष के मूल्यांकन के सुझाव को अहम करार दिया। This committee has been a very potent instrument for scrutiny of the executive's role in the detailed legislation. We are still looking forward to the aspect that we can make this committee even more effective and more purposeful. We need to strengthen the committee, and in this respect I would like to refer to the discussions which were held in this house yesterday, that whether the third party evaluation of whether the mandate of the law which has been passed has been truly and truthfully executed by the government, or what has been the impact of this legislation, that can be entrusted to a third party, whether that could be a feasible solution. This is, I would beseech for this house also to deliberate upon this. एसोसिएशन ऑफ सेक्रेटरीज जनरल ऑफ पार्लियामेंट्स की पहली बैठक 1939 में ओस्लो में हुई थी। इसका काम दुनिया भर की संसदों की प्रक्रिया, कार्यवाही और कामकाज के तरीकों का अध्ययन करना है। साथ ही विधायी प्रक्रिया में सुधार के लिए विभिन्न देशों की संसदों के सचिवालय के बीच सहयोग करना है। इससे पहले लोकसभा अध्यक्ष ने कल अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का सुदृढ़ीकरण, संसद की भूमिका, तंत्र और क्षेत्रीय सहयोग का योगदान विषय पर बैठक को संबोधित किया। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि संसद एक खुली संस्था है जो अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के काम के बारे में नागरिकों को जागरूक बनाती है और उन्हें सांसदों के को उत्तरदायी और जवाबदेह बनाने का अधिकार देती है। उन्होंने ये भी कहा कि न्यायसंगत, शांतिपूर्ण और समृद्ध विश्व के लिए संतुलित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का होना अनिवार्य है। न्यायसंगत, शांतिपूर्ण तथा समृद्ध विश्व के लिए एक संतुलित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का होना अनिवार्य है। निसंदेह इसके लिए ऐसे मापदंड और मानक तैयार किए जाने की आवश्यकता है जो संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को स्वीकार्य हो। भारत का विश्वास है कि आज के परस्पर निर्भरता वाले विश्व में हम ऐसी साझी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं जिनका समाधान सहकारी और प्रभावी बहुपक्षीय सहयोग के जरिए किया जा सकता है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि आतंकवाद के मामले में प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और कानून की जरूरत है। उन्होंने कहा कि संकीर्ण भू राजनीतिक हितों के कारण इस मुद्दे पर अभी तक प्रभावी वैश्विक कानून नहीं बनाया जा सका है। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बनर्जी को, उनकी पत्नी श्रीमती एस्थर डफलो को बधाई दी है और राज्यसभा की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में उन्होंने कहा कि ये पूरे देश के लिए गौरव और सम्मान की बात है कि अर्थशास्त्र के लिए इस वर्ष का नोबेल पुरस्कार उन्हें प्रदान किया गया है। उन्होंने कहा कि गरीबी उन्मूलन के लिए उनके प्रयोगात्मक दृष्टिकोण को, खासतौर पर रेंडमाइज्ड कंट्रोल टेस्ट के नाम से जाना जाता है, उन्होंने बधाई देते हुए उम्मीद जताई कि नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत भारत और विदेश के युवाओं को मानवता के प्रगति और विकास में योगदान देने के लिए प्रेरित करेंगे। पश्चिम बंगाल में बिगड़ती कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की अगुवाई में पहुंचे बीजेपी नेताओं ने राष्ट्रपति को पश्चिम बंगाल के ताज़ा हालात से अवगत कराया। बीजेपी नेताओं ने कहा कि बंगाल में राज्य सरकार अपनी मनमानी कर रही है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को झूठे मुकदमों में फंसाया जा रहा है, राज्य में हिंसा पूरे चरम पर है, कानून व्यवस्था एकदम खराब है। प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति से गुहार लगाई कि वो इस मामले पर राज्यपाल से रिपोर्ट लेकर उचित कार्यवाही करें ताकि राज्य में शांति और स्थिरता का वातावरण बन सके।
पॉलिटिकल मर्डर्स के बारे में, राजनीतिक हिंसा जो चल रहा है, जैसा परिवेश आज माहौल जैसा हो गया पंगाल में कि खून खराबी का माहौल, सिर्फ विजयादशमी से आज तक 9 पॉलिटिकल मर्डर हुआ है, कोई कोई नृशंस रूप में। आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को एक और झटका लगा है। सीबीआई कोर्ट ने ईडी को पूर्व वित्त मंत्री के पूछताछ की इजाजत दे दी है। ईडी की टीम कल तिहाड़ जेल जाकर पी चिदंबरम से 30 मिनट तक पूछताछ करेगी और अगर जरूरत पड़ी तो पी चिदंबरम को गिरफ्तार करेगी। इससे पहले सोमवार को चिदंबरम की ईडी की कस्टडी के मामले में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई थी और फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। चिदंबरम 17 अक्टूबर तक सीबीआई की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद हैं। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही, आगे देखिए हमारा खास कार्यक्रम विशेष।